हेलो बच्चों, आपका मेरा नंबर वन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो अब देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे हमारा जो टॉपिक है जंतुओं में प्रजनन, श्वसन एवं उत्तरी जीव। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जंतुओं में प्रजनन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रजनन। हम जानते हैं कि सभी सजीव अपना वंश चलाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान की उत्पत्ति करते हैं। सभी जीवधारी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान की उत्पत्ति करते हैं, जो प्रजनन कहलाता है। प्रजनन सभी जीवधारी करते हैं। प्रजनन के आधार पे जीवधारियों को दो प्रकार में बांटा जाता है। नंबर एक होता है जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। नंबर एक है जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। तो जन्म देते हैं, तो जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं हम उन्हें कहते हैं स्तनधारी जंतु। जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम स्तनधारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, ये सब क्या करते हैं, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और अब एक परिभाषा इससे बनती है स्तनधारी, या एक क्वेश्चन बनता है स्तनधारी जंतु किन्हें कहते हैं। तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, जो जंतु अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम स्तनधारी जंतु कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अब अगला आता है, दूसरा जो प्रकार होता है इसका, अंडे देने वाले जंतु। अंडे देने वाले जंतु, अब हम जानेंगे इसके बारे में। अंडे देने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं? आपको पता होगा कि बहुत सारे जंतु हमारे जो आसपास में मिलते हैं वो बच्चों को ना जन्म देकर बल्कि अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी, बतख, है ना, और बहुत सारे पक्षी हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे अंडे देते हैं फिर अंडों से बच्चे कैसे बनते हैं। तो आपने अपने पास पड़ोस में मुर्गी को देखा होगा। मुर्गी अंडे देती है फिर उसके बाद क्या करती है, उसकी एक प्रक्रिया है, बच्चे बनने की एक प्रक्रिया है। पहले मुर्गी अंडे देती है फिर उन्हीं अंडों के ऊपर बैठती है, उसे हम आप लोग कहते हैं अंडों को सेती है। अंडों के ऊपर बैठती है और अंडों को अपने शरीर का जो टेम्परेचर होता है उन्हीं टेम्परेचर से अंडों को गर्म करती है, और उसके शरीर के अनुसार वो जो अंडे होते हैं उसी के टेम्परेचर के अनुसार अंडे गर्म होते हैं। फिर कुछ अंडों में विकास होता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद नए शिशु का आधार बनता है, और धीरे धीरे जब शिशु का पूर्ण रूप तैयार हो जाता है तब वो अंडे को तोड़ करके बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार अंडे से बच्चे बनने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है, और उसमें यह होता है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और पानी में अंडे देते हैं, जैसे मेंढक हो गया और कछुआ है। ये सब क्या करते हैं, ये तो पानी में रहते हैं तो ये अपने अंडे जो है पानी में देते हैं। अब पानी में अंडे देते हैं तो इनकी सुरक्षा कैसे होती होगी? पानी में जब अंडे देते हैं तो इनकी सुरक्षा एक प्राकृतिक रूप है। जब वो अंडे देते हैं तो एक जहरीला पदार्थ अंडों के आसपास होता है,
ताकि उनको पानी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और फिर वही प्रक्रिया जो अभी मैंने मुर्गी के अंडों में बताई थी, वही प्रक्रिया उसमें भी होती है। वो धीरे धीरे भ्रूण बनता है अंडे में और फिर उसका विकास होता है। जब शिशु का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तब वो अंडे तोड़ करके बाहर निकल आता है। इसी प्रकार होता है, अंडों से बच्चों का जन्म इसी प्रकार होता है। अब एक जो मेंढक है, मेंढक के बच्चों का जन्म कैसे होता है, या मेंढक के जो टैडपोल होते हैं शिशु बनने से पहले की अवस्था जो मेंढक के बच्चों की होती है उसे टैडपोल कहते हैं, और उसके रूपांतरण को या टैडपोल से धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है और उसका आकार बदल जाता है उस क्रिया को हम कायांतरण कहते हैं। उस क्रिया को हम कायांतरण कहते हैं। अब यहाँ तक ये हमने सीख लिया, अंडे देने वाले जंतुओं तक हमने ये इस वीडियो में सीखा। अगला कल बताया जाएगा, और बाकी जो हमने इतना भाग पढ़ा हुआ है इसमें से अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे और जिसके आंसर आपको इसी वीडियो को देख करके मिल जाएंगे।